ग्राम पंचायत भुटोली कला में किसी ठेकेदार द्वारा उद्योगों से उठाई जा रही काली राखी की अवैध साइट के प्रति करनी सेना एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। करनी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल करनी सेना के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष संजू राजपूत की अध्यक्षता में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी के अधिकारियों से मिला व उक्त ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की मांग रखी। करनी सेना के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष संजू राजपूत प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बद्दी को दी गई शिकायत में कहा कि ग्राम पंचायत भुटोली कला में एक ठेकेदार ने अवैध रूप से काली राख की गिराने के लिए साइट बना रखी है जो कि बांदल नदी के बिल्कुल किनारे पर है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो ठेकेदार इसका फायदा उठाकर जेसीबी से सारी काली राखी नदी में बहा कर गिरा देता है। वह इसे पशु पक्षी तो बीमार होते ही हैं। वहीं जब साफ मौसम होता है और थोड़ी सी हवा चलती है तो उस काली राखी के कण लोगों की आंखों में चले जाते हैं व कई लोगों की आंखें भी खराब हो चुकी हैं। आज हमने बद्दी प्रदूषण बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा है जिसके अंदर यहाँ पे काठा के अंदर एक राखी का डंप है जिसकी पूरी की पूरी राखी नदी के अंदर बह रही है और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। तो इसके ऊपर प्रशासन और सरकार ध्यान दें। अगर ये डंपिंग साइट यहाँ से ना हटाई गई तो करनी सेना पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध करेगी। और जैसे कि अब कोरोना काल चल रहा है, पहले इसी से हमारे को निजात नहीं मिल रही है, ऊपर से अगर ऐसे जैसे कि ये नदी के अंदर पानी चल रहा है प्रदूषित पानी, इसके कारण कोई अगर महामारी फैलती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या प्रदूषण डिपार्टमेंट? तो हम जो यहाँ पे डंपिंग कर रखी है इसको हटवाने के लिए आज ज्ञापन दिया है प्रशासन से भी और प्रदेश सरकार से भी, हम इसको हटाने की मांग करते हैं। अगर ये डंप नहीं हटा यहाँ से तो करनी सेना पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध करेगी, सड़कों पे उतरेगी। ऐसा एक मामला हमारे ध्यान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा लाया गया था जिसमें हमें बताया गया था कि काला पानी बल्द नदी में बद्दी की जो है उसमें जा रहा है, तो उसके लिए हमने मेंबर से जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जेई है उनको शिकायत प्रस्तुत की थी कि इस पर कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। तो उसी की अनुपालना में उन्होंने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में भेजी है, उसमें उन्होंने वहाँ बताया कि उन्होंने वहाँ इंस्पेक्शन करके जो सारे एविडेंस इकट्ठा किए हैं और उसके बाद जिस जो कंपनी दोषी पाई गई है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शिमला को लिखा है। तो इस संबंध में ये जो जानकारी है उनके द्वारा हमारे ऑफिस को प्रस्तुत करवा दी गई है, अब आगे की कार्रवाई मेंबर सेक्रेटरी के स्तर पर। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।